तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो वैसे अगर आप रियलमी का कोई भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें अगर आपको होम स्क्रीन पर ऐप आइकन शो नहीं हो रहा है, या फिर आप अगर किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में शो नहीं हो रहा है, या फिर एप्लीकेशन के नीचे एप्लीकेशन का जो नाम है वो अगर शो नहीं हो रहा है और आपने फ़ोन को रिस्टार्ट वगैरह सब कुछ करके देख लिया है लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो अगर इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सो वीडियो को वैसे लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए आज का वीडियो चालू शुरू स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपके फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐप मैनेजमेंट। सो गाइस आप लोगों को इस ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐप लिस्ट। सो गाइस आप लोगों को इस ऐप लिस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर 5 से 10 सेकंड तक का वेट करना है, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद गाइस आप लोगों को ऊपर राइट साइड पर 2 डॉट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर शो सिस्टम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है सिस्टम लॉन्चर। सर्च करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज यूज। सो गाइस आप लोगों को स्टोरेज यूज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर क्लियर डाटा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डाटा को क्लियर कर देना है। डाटा क्लियर करने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपल से बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर फिर से सर्च करना है कलर ओएस। सर्च करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर कलर ओएस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर फिर से बहुत सारे ऑप्शन देखते हुए मिल जाता है। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर स्टोरेज यूज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कैसे कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को बैक आना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व यहाँ पर हो गया है। सो गाइस इस तरीके से आपको इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो गाइस आज के इस वीडियो बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।